हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग मिनट्स ऑफ कॉमन एरर्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज हम लोग नाइन्टी टू सेट देखेंगे जो कि लखनऊ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम नाइनटीन नाइनटी एट में आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन द अपॉइंटमेंट विल बी मेड इनिशियली फोर ए पीरियड्स ऑफ थ्री ईयर्स ऑल करेक्ट तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देखेंगे हम क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स इसमें हमारा डी ऑप्शन में हो जाती है एरर इसमें हमें डी ऑप्शन में हमें फ्रेंड्स पीरियड्स की बजाय हमें पीरियड ठीक है पीरियड्स की बजाय हमें पीरियड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि क्या है क्योंकि ए और एन हमारा क्या है सिंगुलर काउंटेबल नंबर का के से पहले लगता है वैसे भी तो यहाँ पर हमारा इसी का यूज़ होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू राजिंद्रा एंड अनशू केम वेरी लेट या लेस्ट आए लेट आएगा लोस्ट या नाइट ऑल पीरियड ऑल करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स सी पार्ट में हो जाती है एरर लेट लॉस्ट नाइट तो हमारा लॉस्ट के बदले हमें यहाँ पर लास्ट का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स लास्ट का यहाँ पर यूज़ करना होगा ठीक है क्योंकि लॉस्ट का मीनिंग होता है खोया हुआ जबकि लास्ट का मीनिंग होता है अंतिम या पिछले या पिछली ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हरिंद्रा एंड अंशु केम वेरी लेट लास्ट नाइट तो पिछली नाइट का यहाँ पर मतलब हो गया हिज पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सीरियस इलनेस एंड ऑफ सर्जरी परफॉम्ड ऑन हीम ऑल करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे फ्रेंड्स हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमारी सर्जरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है फ्रेंड्स एस यू एस यू आर जी ई आर वाई यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं द ट्रेन टेक्स परफेक्टली टेन आवर्स टू रीच कलकत्ता ऑल करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें परफेक्टली के बदले हमें कंप्लीटली या टोटली totally का हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एग्जैक्टली exactly का प्रयोग होगा क्योंकि या फिर एग्जैक्टली exactly का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या कम्प्लीटली टोटली totally या एग्जैक्टली exactly का क्योंकि परफेक्टली का मीनिंग होता है इन ए परफेक्ट वे ठीक है तो इसका हम अगर मैं आपको यूज़ बताऊँ परफेक्टली का सी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली लेकिन कम्प्लीटली टोटली totally का मीन्स होता है पूरी तरह से या एग्जैक्टली exactly? ठीक तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स कम्प्लीटली या टोटली totally या एग्जैक्टली exactly का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दिस ट्रेन टेक्स कंप्लीटली या टोटली टेन आवर्स टू रीच कलकत्ता ऑल करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे इट इज़ रिटर्न इन द बुक ऑफ गोड दैट ही हु प्लान टी शैल बी आस्कड टू हेल्प अदर्स ऑल करेक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है तो हमारा ई e ऑप्शन हो जाता है करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ही होप यू आर वी होप यू आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स डी पार्ट में हमारे रजिस्ट्रेशन की बजाय हमें रजिस्ट्रेशन आर रे, ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा फ्रेंड्स ठीक है तो हमारे रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग में गलती है क्वेश्चन नंबर सेवन हम देखेंगे वाटर डज नॉट फ्ल्यू या अप फ्ल्यू अपवर्ड्स टू द माउंटेन्स बट डाउन वर्ड्स टू द सी तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एर फ्लू की बजाय यहाँ पर हम लोग फ्लो का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि फ्लू क्या है पास्ट रूप है और फ्लो हमारा ड्यू और डज ठीक है डिड के साथ हम लोग वी वन लगाते हैं तो ये हमारी वी वन है फ्रेंड्स तो हम लोग फ्लो का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर एट हम देख लेते हैं द फैक्ट एज ब्रॉट आउट बाई ऑल द न्यूज पेपर आर दैट ग्लोब टेलीकोम्युनिकेशन मार्केट इज नॉट वेरी ग्लोबल ऑल करेक्ट क्वेश्चन नंबर एट में हम देखते हैं क्या एरर है हमारे क्वेश्चन नंबर एट में फ्रेंड्स ए पार्ट में ही हो जाती है हमारी एरर क्वेश्चन नंबर एट में हमारे हमें यहाँ पर आर की बजाय फ्रेंड्स यहाँ पर इज का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है द फैक्ट जो कि क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन Fluency in English language and last experience in the field would be desirable. All correct. Question number 9 में हमारे friends हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें लास्ट के बजाय हमें यहाँ पर long का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस का means यहाँ पर हो जाता है लास्ट एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ हो जाता है अंतिम अनुभव जबकि लॉन्ग एक्सपीरियंस का मीन्स हो जाता है लंबा अनुभव द फ्लुएंसी इन इंग्लिश ठीक है तो यहाँ पर हमें लॉन्ग एक्सपीरियंस का हमारा सूटेबल बैठेगा क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग देख लेते हैं हियर्ड दोज वर्ड्स ही केम फ्यूरियस ऑल करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर टेन में हमारे फ्रेंड्स बी पार्ट में हो जाती है एरर की हमारी स्पेलिंग हमारी ये होगी फ्रेंड्स ह्यूमेशन के बदले हमें स्पेलिंग तो ठीक है ह्यूमलेशन के बदले हमें ह्यूमन लिएटिंग एच यू एम आई एल आई ए टी आई एन जी ह्यूमलीटिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स ह्यूमन क्योंकि ह्यूमलीशन एक नाउन है जबकि हमें यहाँ पर फ्रैक्स फ्रेंड्स ह्यूमलिएटिंग एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स ठीक है तो नेक्स्ट देख लेते क्योंकि हमारा वर्ड्स क्या है वर्ड्स क्या है ठीक है उसकी विशेषता बताएगा तो आ, ये हमारा सेट नंबर नाइनटी टू यहीं पर खत्म हो जाता है अगला सेट मैं अगली वीडियो में लाऊंगी फ्रेंड्स तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी इफ़ लाइक मेरी वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी वन नाइस